सो आज हम सीखेंगे सीधा सा सिंपल सा एक बेडरूम डिजाइन। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी। और आपने अगर नोट किया होगा, पहले की फ्रेम्स ऑनलाइन था, अभी की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी का चैनल का नाम है। पहले की फ्रेम्स ऑनलाइन हुआ करता था, अभी वो चेंज हो गया है। क्यों? बिकॉज नाउ वी आर ऑथोराइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर ऑटोडेस्क एंड एडोबी। सो उसके लिए उसमें दो नाम नहीं होने चाहिए, सारी जगह पे एक ही होना चाहिए, तो देयर विल बी नो कंफ्यूजन। सो की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी भी रहेगा और की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी ऑनलाइन भी रहेगा, मतलब ऑनलाइन टीचिंग भी रहेगा। एंड बाय द वे, अगर आपको किसी को ऑनलाइन सीखना हो हमारे की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी से, सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई विल बी टीचिंग यू राइट फ्रॉम 3D Max, Vray एंड फोटोशॉप एंड मेनी अदर कोर्सेज वी हैव। सो आज के ट्यूटोरियल में मैंने एक बेडरूम का डिज़ाइन बनाया है और उसमें कुछ ऑब्जेक्ट मर्ज किए हैं। उसके बाद मैंने उसमें वीरे में लाइटिंग हम करेंगे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस लेसन। सो पहले जाता हूँ मैं कस्टमाइज में, और कस्टमाइज में मैं यूआई कस्टम सेटिंग में मैं चेंज करता हूँ मैक्स और वीरे। सो बेसिकली उससे क्या होता है, जो सारा जो मटेरियल का सेटअप है ना, वो सारा वीरे में हो जाता है। मतलब वी वॉन्ट टू टेक ऑलवेज वीरे मटेरियल्स, वो बार बार लेना नहीं पड़ता। और एक बार यूनिट सेटअप क्या है वो एक बार चेक कर लेंगे। ओके, 1 is equal to 1 mm। सो बेसिकली वी वांट इन इंचेस, सो मैं यहाँ भी कर लेता हूँ इंचेस में, वो है डेसिमल इंचेस। एंड से ओके। सो 3D Max वापस से चालू करना पड़ता है सेट करने के लिए। सो ये हो गया है सेटअप। सो अभी ये जो बेडरूम का लेआउट है उसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखेंगे कि वो उसका एरिया कितना है। सो उसका एक मोटा मोटा अगर एरिया पकड़ेंगे तो 10 फीट बाय 15 फीट ठीक है, 180 दैट इज 120 उसको इंचेस में, मतलब ये फीट में उसका इंचेस में कितना लेना पड़ेगा, मैं 180। सो सिंपल प्लेन ड्रैग कर लेता हूँ और मॉडिफाई में जाकर इसका जो लेंथ है सो वो 15 180, और इधर लेता हूँ 120, 15 feet by 10 feet। सो ये ऐसा है 120 और ये 180। चलो राइट, मतलब जैसे था वैसे ही लिया, जैसा ऊपर वैल्यूज था वही सेम वैल्यूज नीचे भी जो कंटिन्यू किया है। वन एंड द सेम, ऊपर का नीचे कुछ भी चेंज करो वैसा ही रहने वाला है। मैं क्यों एक्चुअल स्केल ले रहा हूँ, ताकि हम जब एक्चुअल स्केल लेते हैं ना, वो उसका बहुत फर्क पड़ता है लाइटिंग में और रेंडरिंग में एज वेल। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक, जब भी आप लेआउट बनाओगे, मतलब एक कोई भी चीज़ का, तो वो एक्चुअल साइज़ के हिसाब से ही बनाना। सो मैंने अभी लिया है लाइन और उसको स्नैप करता हूँ 2.5 में और सिलेक्ट करता हूँ स्प्लाइन को। यहाँ कर लेता हूँ आउटलाइन फॉर 9 inches। जो एक्सटर्नल वॉल होगी कोई भी कंस्ट्रक्शन की, वो 9 inches होगी। और अभी इसमें डाल देता हूँ एक्सट्रूड और इसको कर लेता हूँ एक्सट्रूड।
120 यानी पूरा 10 फीट हो गया, तो 10 फीट तो अपने को लेना ही नहीं है। सो काइंड ऑफ अपना कैमरा सेट कर लेंगे, मतलब देख लें कि इस स्टाइल से अपने को कैमरा सेट करना है। थोड़ा सा कम लग रहा है, मतलब विड्थ में मुझे थोड़ा सा मतलब कम लग रहा है वो। तो 150 ठीक लग रहा है, तो ये भी एडजस्ट कर लेंगे। पॉइंट टू पॉइंट परफेक्टली उसको मूव कर दो। कभी कभी मैं कैमरा डालने के बाद देखो, अभी जैसा मुझे चाहिए थोड़ा सा विड्थ, थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए जिसमें अच्छी तरह से वॉल्यूम लगे उस रूम में, इसके लिए मैंने थोड़ा सा उसमें वो विड्थ बढ़ाया है। सिलेक्टिंग कैमरा एंड से फ्रीज, क्योंकि क्यों, क्योंकि बार बार वो मूव नहीं होना चाहिए। इसको दे देते हैं रंग ताकि वो प्रॉपर दिखे। ले लेता हूँ रेक्टेंगल ताकि वो एक बड़ा सा विंडो हम दिखा सकें यहाँ से। इससे कॉर्नर इसको करते हैं एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड क्यों करना है, ताकि मुझे यहाँ से उसको बुलियन करना है। ऐड ऑपरेंड कर लेता हूँ और यहाँ से मैं बोलता हूँ सब्ट्रैक्ट ताकि को मिल जाए बुलियन प्रॉपरली। सो लेता हूँ रेक्टेंगल पीछे का, जो हल्का सा अपना स्टोरेज बनाना है बेड के पीछे। तो यहाँ थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे, 19 × 12 inches। टू फीट
दो फीट का स्टोरेज। थोड़ा और नीचे लेता हूँ। सो ये कभी भी मैं एडजस्ट करते वक्त ना, मैं हर वक्त उसको एडिट पॉली में से जितने भी पॉइंट्स हैं उसको प्रॉपरली मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। इसके लिए मैं एन वक्त पे एडिट पॉली हमेशा यूज़ करता हूँ उसके ऊपर। मैंने प्रॉपर एज टू एज उसको रखा और वो मूव कर लिया है ताकि वो स्पेस उधर बिल्कुल ना लाए। ये है अपना जो ऑब्जेक्ट जो हमने बुलियन किया था, उसको जगह जैसा मूव करो तो वैसा वो जो बुलियन है वो भी साथ में मूव होगा। सो अगेन यू डोंट हैव टू डू एनी बुलियन, कुछ भी करेक्शन रहेगा तो ऐसा तुरंत हो जाएगा वो। इसको करते हैं रोटेट, शिफ्ट करके रोटेट करता हूँ ताकि वो जो राइट हैंड साइड का जो स्टोरेज है ना वो हम बना सकें। इस साइड में परफेक्टली बैठ जाए। ट्राई टू मेक ऑल ऑब्जेक्ट्स एज टू एज, मतलब वो दिखता, मतलब होता कुछ नहीं है पर वो दिखता जब ये ना फाइल में वो बहुत गंदा दिखता है और ऐसा होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। क्ले में मैं हमेशा रखता हूँ ताकि वो जो उसका क्या बोलते हैं ना, ज़्यादा लोड नहीं आता तभी मैं नेविगेट करता हूँ। सो आई ऑलवेज ट्राई टू कीप ऑन परफॉर्मेंस और इधर क्ले। सो काम करते हो बेसिकली मॉडलिंग का जो स्टेज है उसमें काम करते हो तो वो बहुत ही आसान लगता है काम करना। उसको पीछे वाले को थोड़ा सा और पीछे लिया है मैंने ताकि वो जो बेड का जो बैक है वो ज़्यादा स्पेस ना जाए। अगर वो चीज़ जो मैंने पीछे स्टोरेज बनाई है वो एज अ वॉल क्लाइडिंग भी दिखा सकते हैं, अगर वॉल क्लाइडिंग दिखाई तो बिल्कुल भी जगह जाएगी नहीं, बट इन द सेंस वो एक छोटा स्टोरेज बना रहेगा और नीचे उसके लाइट्स दे सकते हैं। सो दैट विल लुक गुड।
सो मैंने लिया है स्लाइस प्लेन, क्योंकि मुझे इसमें सेगमेंट चाहिए, क्योंकि उसमें मुझे ग्रूव्स बनाने हैं, मतलब जो दो ड्रॉवर के बीच में जो जगह होती है वो काइंड ऑफ ग्रूव्स ही होता है उसमें। उसको मैं स्लाइड करता हूँ और स्लाइस हिट करता हूँ। सो नाउ द स्लाइस वर्क इज़ डन। उसको मैंने हल्का सा सिलेक्टेड ही था, उसको मैंने हल्का सा चैम्फर दिया ताकि वो एजेस स्प्रेड हो जाए और उसके बीच में मुझे सिलेक्शन मिलके मैं वो एक्सट्रूड करके अंदर डालूँ। तो आगे वही करना है। इसको रिंग देता हूँ, रिंग करके प्रॉपर सब सिलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल प्रेस करो मल्टीपल एजेस सिलेक्ट करने के लिए, देन यू कैन प्रेस रिंग और रिंग। जब भी हम करते हैं तो एक साइड में सिलेक्ट करते हैं, सो प्रॉपर सिलेक्शन मिल गया। मैंने कंट्रोल प्रेस करके मैंने पॉलीगॉन प्रेस किया, पिछली बार मैं कंट्रोल प्रेस करके एलिमेंट प्रेस कर रहा था, इसके लिए वो नहीं हो रहा था। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सट्रूड और लोकल नॉर्मल, इसमें थोड़ा सा अंदर लेते हैं वो। जैसा ये बाहर है वैसा मुझे हल्का सा पॉइंट में हम उसको अंदर लेंगे। ये बहुत ही अंदर गया है। नॉर्मल से ओके। सो ये सारे का हो गया है। मुझे कुछ ऐसा डिफरेंट कलर वहाँ नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ सीधा प्लाई का रंग आने वाला है, पूरा जो टेक्सचर होगा वो प्लाई में ही रहेगा, विनर में रहेगा। पर इसमें जब भी हम डेप्थ देते हैं ना, क्या बोलते हैं वो अपना डर्ट पास का, जब भी हम डेप्थ देंगे, एक ऑक्लूजन पास निकालेंगे, उसमें बहुत अच्छा डेप्थ आएगा। और इसको हल्का सा स्मूथ कर लेते हैं। सारे चीज़ को ना कभी भी एकदम शार्प एज में रखता नहीं हूँ, मतलब हाल ही के अभी वीडियोज़ में नहीं दिखा रहा हूँ कि वो रखना है। इसके बीच में एकदम हल्का सा चैम्फर काइंड ऑफ फील उसमें आना चाहिए, और वो कॉर्नर में से लाइट वगैरह अच्छी तरह से वो स्प्लिट करेगा। मैं स्प्लिट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जो चैम्फर का जो ये रहेगा, क्या बोलते हैं, सरफेस रहेगा, वो रिसीव लाइट रिसीव करने के लिए वो अच्छा रहेगा, मतलब स्लाइंट में। सो इतना भी नहीं चाहिए, इतना बड़ा नहीं चाहिए।
मैंने एक वहाँ सेगमेंट ले लिया है और स्लाइस प्लेन को एकदम सीधा करता हूँ। ये मैं स्लाइस क्यों कर रहा हूँ, ताकि पीछे ना यहाँ अपने को लाइट बिठाना है, तो वो हल्का सा इनसेट लेंगे हम यहाँ से, मतलब प्लाई के अंदर ही थोड़ा सा अंदर गैप रखेंगे और इसमें यहाँ लाइट फिक्स करेंगे। तो ये इतना एरिया जो यहाँ का है वो एक साइड टेबल ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा हल्का सा जो चैम्फर है ना वो कम करना है, इतना चैम्फर नहीं चाहिए, फिलेट बेसिकली। और ये हल्का सा ऊपर रहेगा, जो फ्लोरिंग है उसके ऊपर हम जस्ट खाली एक लैंप यहाँ बिठाने के लिए उसको जगह। सो दैट्स इट गाइस, अगर ये मेरा वीडियो आपने पसंद किया हो या एंजॉय किया हो तो लाइक ज़रूर करना। ये एक ही चीज़ होती है जो मुझे पता चलती है कि आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, मुझे बाकी लोगों को पता नहीं, बट हु आर माई सब्सक्राइबर्स, मुझे उस पे से ही पता चलता है मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अगर ये मेरा वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो नीचे बटन है सब्सक्राइब का, वो दबाइए ताकि मेरे जो सारे अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचेंगे और मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता हूँ। सो एज एन ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।